वेलकम टू जीएस नॉलेज। एमसीक्यूज मैथमेटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशंस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। ओके, हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रायिकता। इस टॉपिक से 5 to 6 यानी 5 या 6 नंबर आपके श्योर है। जैसे मैं शब्द श्योर कह रहा हूं तो ये शब्द इस टॉपिक से संबंध रखता है। ठीक है, श्योर का मतलब क्या हुआ? श्योर इवेंट का मतलब ये होता है घटना होना। ठीक है, श्योर इवेंट। और इम्पॉसिबल जब हम शब्द कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, इसका मतलब यह होता है कि यह घटना हो नहीं सकता। जैसे हम ये कहेंगे कि इंसान मर के वापस चला आएगा तो ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता है। श्योर इवेंट का मतलब यह होता है जो होना है। ठीक है, अब कुछ हम लोग टेक्निकल शब्द जानने की कोशिश करते हैं, तभी हम लोग 5 to 6 मार्क्स के जो श्योर रहेंगे इस टॉपिक से हम लोग एकदम निश्चित ही स्कोर करेंगे और यहीं से हमारा मैथ में स्कोरिंग नंबर हाई जाएगा। एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हाट विल बी द इम्पॉसिबल, यहां पे बस शब्द लग जाएगा व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए ऑप्शंस दे देगा आपका, 0 दे दिया, ठीक है, बी में 1 दे देगा, सी में आपका 2 दे देगा, डी में दे देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 0। इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा 0 होता है, बस ये याद आपको रखना है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0, ये याद रखना है आपको, इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा 0 रहेगा। अब आ रहे हैं हम लोग श्योर इवेंट हमेशा 1 होगा, श्योर इवेंट हमेशा 1 होगा। अब जो हम फॉर्मूला का जो शब्द का इस्तेमाल करने जा रहे हैं पी का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और ई का मतलब हुआ इवेंट। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम लोग किस तरह लिखते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी संभावना टोटल कितना पॉसिबल है, ये नीचे रहता है, डिनोमिनेटर में रहेगा, और न्यूमरेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे वेरी इजिली, बहुत आसानी से इस टॉपिक को हम लोग सॉल्व कर देंगे। आइए मैं एक एग्जांपल, मान लीजिए आपने सिक्का तो देखा होगा कॉइन, अगर कॉइन को हम लोग उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, टोटल क्या क्या हो सकता है, तो टोटल हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा ना, या तो हेड या तो टेल, तो ये क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हुआ, 2, और उसमें से क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही ना होगा कि नहीं होगा, होगा या तो हेड या तो टेल। मान लीजिए हेड आने की कितनी संभावना है, 1, ये हमारा रिजल्ट। अगर उसी तरह मान लीजिए लूडो, हम लोग डाइस खेलते हैं, ठीक है, लूडो का गोटी, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम होने की संभावना कितनी है? 6। लूडो जब डाइस हम लोग फेंकेंगे तो कितनी है? 6। अब मान लीजिए उसमें से पूछा जाएगा 4 आने की संभावना कितनी है? तो 1। तो इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने का आउटकम में कितना होगा? 1। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए अब दूसरी बात जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको डिस्कशन करने जा रहा हूं। 2 तो हो गए, 1 सियोर और 1 इम्पॉसिबल। सियोर 1 इम्पॉसिबल, तो सियोर हमेशा 1 होगा, सियोर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इक्वल्स टू 0। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, कि ए डाइस इज थ्रोन इन द ईयर मीन्स लूडो का गोटी हवा में उछाला गया। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता ऑफ गेटिंग ओड नंबर आने की कितनी संभावना है? ओड नंबर, देखिए इससे दो सवाल बनते हैं। अगर ओड पूछेगा तो ओड नंबर, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर तो ओड नंबर टोटल आउटकम कितना है लूडो में? 6 है ना। तो मान लीजिए ओड नंबर कितना हुआ, कौन कौन सा नंबर ओड हुआ? आपका 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 1, 2, 3 यानी 3/6 कितना हो गया? 1/2 यानी 50%। अगर यही सवाल पूछेगा कि डाइस इज थ्रोन इन द एयर, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ये सवाल अगर इवन नंबर पे आ जाएगा तो कितना होगा? फिर उसका भी वही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर टोटल आउटकम 6, इवन नंबर क्या हो गया? 2, 4, 6, ये भी क्या हो गया आपका? 3/6, यहां पे क्या हो गया? 1/2, समझ रहे हैं? इसका भी 50%। तो इस तरीके से यहां से आप एक नंबर और स्कोर कर लेंगे, तो आप टोटल कितने हो गए? 3। एक तो सवाल जो आपका जो है वो यहां से रहेगा, समझे, एक कॉइन से और एक आपकी डाइस से रहेगा और एक फॉर्मूला वाला हिस्सा रहेगा। मान लीजिए पूछा जाएगा द प्रोबेबिलिटी, दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल टू जीरो कितना होगा? ये इस इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शंस में दे देगा सियोर, बी में दे दिया आपका, देख रहे ना, श्योर, अनश्योर, सी में दे देगा इम्पॉसिबल, और डी में दे दिया नन ऑफ दीज,
मतलब क्या हुआ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो होने का कितनी है संभावना है। आंसर क्या होगा, एक नंबर इस तरह के सवाल आएंगे, बताइए क्या हो सकता है। इम्पॉसिबल इवेंट, ये क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल टू जीरो कौन सी घटना में होगा, इम्पॉसिबल। जीरो कब होगा, जब होगा ही नहीं ना, तभी ना होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल। ठीक है, और इतना याद रखिए, एक और सवाल घुमा के आपको पूछेगा बिहार बोर्ड में, आप तैयार रहिएगा। वो सवाल क्या है, पूछेगा द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट, द प्रोबेबिलिटी मीन्स पूछे क्या, द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट, वो नंबर कौन सा नहीं होगा अमंग द फॉलोइंग, कौन सा नहीं होगा, कितने नंबर के बीच में नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होगा, याद रखिए प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। अगर आपके आंसर, अगर आंसर आपके माइनस में रहते हैं, माइनस में मान लीजिए 1.5 दे दिया, और ऑप्शंस में मान लीजिए कोई 2 है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए 3 है, और सी मान लीजिए 4 है, और एक डी मान लीजिए आपका -1.5 है, तो प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होगा, 1 -1.5, तो आपका आंसर क्या हुआ, -1.5। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। वो क्या है, अगर मान लीजिए देता है इफ इफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इवेंट कोई दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है, 0.07 है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.07 है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी नॉट ई में कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, आपको करना क्या, आपको पता है श्योर इवेंट कितना होता है, 1 होता है, 1 से आप माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को कर दीजिए, ये प्रोबेबिलिटी इवेंट कितना है, 0.07 है, तो आप 1 नॉट इवेंट में कितना कर दीजिए, 0.07 कर दीजिए, आंसर कितने आ जाएंगे आपके, कितने होंगे, 0.93। ठीक है, 0.93। अब आपके ऑप्शंस में इस तरह के रहेंगे, 0.93, बी में दे देगा 0.92, सी में दे देगा 0.90, डी में दे देगा 0.99। बस आपके आंसर देख लीजिए कितनी आसान है, 1 - probability of not, ठीक है, जो है 0.07 को हमने माइनस कर दिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, जो नहीं होगा, तो जो होगा उसे हम माइनस कर देंगे, ऑलवेज 1 से हम माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और देखिए सवाल फिर और एक एंगल से आते हैं, किस पे आते हैं, बॉल पे आएंगे, कलर्स पे आएंगे, किसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए बोलेगा एक बैग है, एक बैग, ठीक है, एक बैग में बोलेगा कि एक बैग है 3 red ball, यानी 3 लाल गेंद है, ठीक है, 2 black ball और दे देगा 4 white ball। अब उसमें से पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
रेड बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल सबको जोड़ देंगे, ये 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इसमें से कितना है, तो 3 है, तो 3 हो गया। कटेगा तो हम काट देंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, तो कितना हो गया, 1/3 आ गया। क्या एक क्वेश्चन तो इस टाइप के रहेंगे ही रहेंगे, एकदम श्योर रहेंगे रहेंगे, समझ रहे हैं ना बात। तो एक ये हो गया क्वेश्चन आपके। अब आइए मैं एक और क्वेश्चन आपको कॉइन पे बताता हूं, कॉइन सिक्के पे। ठीक है, अब उस सिक्के पे मैं आपको बताने जा रहा हूं सिक्के। अब ऑलरेडी मैंने आपसे बताया कि हेड होगा या टेल होगा। अगर मान लीजिए दो सिक्के को हमने हवा में उछाला, ठीक है, अगर सवाल आपसे पूछता है कि बोथ टेल आने की संभावना कितनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल, बोथ टेल यानी दोनों में टेल आने की संभावना कितनी है, तो आपको पता है एक सिक्के में एक हेड होगा या टेल होगा, दूसरे में भी एक हेड होगा या टेल होगा, तो टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल आउटकम चार हो गए दो सिक्के में, एक एक सिक्के में दो पॉसिबल होगा, दो और हो गया तो दो सिक्के तो चार हो गया, चार में टेल आएगा, उसमें भी टेल आया, इसमें भी टेल आया, तो कितने हो गए, टू। अभी काट दीजिए, 2 × 2 = 2, 2 × 4 यानी हाफ, 50%। क्लियर, यहां से इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे टाइप का मैं और आपको डिस्कशन करने जा रहा हूं, वो भी एग्जाम में अक्सर कई बार पूछा जाता है, लड़के उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि है बहुत इजी, बहुत इजी है, लेकिन क्या होता है कि नर्वस हो जाते हैं। आपको नर्वस होना नहीं है, अगर आप नर्वस हो जाइएगा तो आपको तब तो आप मैथ में स्कोर अच्छा नहीं कर पाइएगा। आपको नर्वस नहीं होना है, एक जो हर बार जो क्वेश्चन आता है फॉर्मूला टाइप का होता है, फॉर्मूला रहेगा आपको, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है देखिए, पूछेगा आपसे इफ पी ए डिनोट्स, अगर इफ पी ए डिनोट्स यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट का ए का ये बताता है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शंस होंगे। ठीक है, अब ऑप्शंस में दे देगा ए बी सी डी। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शंस आपको दे देगा, आपको याद रखना है इसके आंसर कब क्या होंगे, एक जीरो होगा, ठीक है, लेस देन। ठीक है, अब जो पूछेगा सवाल जो पूछेगा उसको आपको बीच में रखना है, फिर उसको इस तरह रखना है जीरो और वन के बीच में, ये आपके आंसर आएंगे। और ये क्वेश्चन आपको दूसरे ऑप्शन में दे देगा पी ए मोर देन जीरो, लेस देन जीरो, कुछ भी करे, बस आपको ये याद रखना है आंसर आपके ये रहेंगे जीरो और वन के बीच में, लेस देन और इक्वल टू। ओके, ये एक तरह ये क्वेश्चन हर बार रहता है, हर बार रहता है। ठीक है, ये हो गए। अब देखिए एक प्रोबेबिलिटी मीन्स मैथमेटिक्स जो है टाइप के रहेंगे क्वेश्चंस, कोई मैच के ऊपर दे देंगे, हार जीत के ऊपर दे दिया जाएगा, किसी तरह का दे दिया जाएगा, लेकिन बहुत इजी होता है सॉल्व करना, बहुत इजी होता है। ठीक है, अब वो मान लीजिए वो क्या है क्वेश्चंस, एन इवेंट is very unlikely, unlikely to happen,
टू हैपन मींस ये घटना अनलाइकली टू मतलब अनलाइकली नहीं हो सकता है उस तरह हो, इट्स प्रोबेबिलिटी उसकी प्रायिकता कितनी होगी, इट्स प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, अब आपके ऑप्शंस में इस तरह के रहेंगे, बस इतना याद रखिएगा ये आपका आंसर रहेगा, अनलाइकली टू हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी, अनलाइकली मीन्स नहीं हो सकने का, ये रहेगा ये। ठीक है, आइए मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशंस करने जा रहा हूं जो संभावना है कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को दिया जाए। ठीक है, टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए हम बता रहे हैं, द इंडिया क्रिकेट द इंडिया क्रिकेट टीम winning possibility, winning possibility is 0.68, the India cricket team winning possibility is 0.68, what will be the possibility of South Africa cricket team South Africa cricket team की जीतने की संभावना कितनी। अब मान लीजिए जब अब ये देखिए इंडिया टीम की विनिंग परसेंटेज कितना है, 0.68 है। आपको पता है कोई भी इवेंट वन होता है जब इसका जीतने की संभावना 0.68 है तो यानी हारने की संभावना कितना हुआ, 0.32 होगा ना, 0.32 होगा कि नहीं होगा। तो जब इंडिया का लूजिंग का परसेंटेज 0.32 होगा, ये वन माइनस हम 0.68 कर देंगे तो वही आंसर साउथ अफ्रीका का जीतने का परसेंटेज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका का विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, समझ रहे हैं, विनिंग प्रोबेबिलिटी साउथ अफ्रीका टीम की हो जाएगी, कितने हो जाएगी आपका 0.32, ये साउथ अफ्रीका को। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है और लड़के क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी वाली यानी प्रायिकता इस हिसाब किस पन्ने में है, बस आपको पलट पलट के देखना है और 5 से 6 नंबर आपके क्वेश्चन एकदम श्योर रहेंगे। पहले उसी को आप कीजिएगा, 5 से 6 नंबर इस टॉपिक से आपके स्कोर हो गए। ठीक है, मैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन गुड बाय, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, गुड बाय।